नमस्कार, AKM इलेक्ट्रिकल HVAC में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग वाटर पंप के बारे में जानेंगे, इसका पावर वायरिंग डायग्राम कैसे होता है और सिंगल नहीं दो दो वाटर पंप, यानी कि हम लोग दो वाटर पंप का कनेक्शन यहां पर पावर वायरिंग डायग्राम जानेंगे, कैसे इसका कनेक्शन होता है, ये ऑटोमेटिक एक ऑफ होगा एक ऑन होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़्यादा टेंशन और तनाव में नहीं रहना है, एकदम जो है फ्री माइंड होके आपको मतलब इंटरव्यू देने जाना है। कोई भी क्वेश्चन आपका आता है उसको ध्यान से सुन के उसके बाद इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ड्राइंग जानना जरूरी है कि ड्राइंग कैसे देखा जाता है या किस प्रकार देखा जाता है। देखिए, तो ड्राइंग अगर आप जान गए, समझिए कि आप कनेक्शन करने कहीं भी जाते हैं तो आप कनेक्शन कर लीजिएगा, वर्किंग आप किसी प्रकार का कर सकते हैं ड्राइंग अगर बढ़िया से जानते हैं तो, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो ड्राइंग जानना हमेशा सीखना पड़ेगा आपको। अगर सीख एक बार ड्राइंग आप सीख गए तो फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ITI आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए हमारा बेहतर जो है ये चैनल है, जो है आप देखिए, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो ये शुरू करते हैं हम लोग इसको वाटर पंप, यानी कि दो वाटर पंप का वायरिंग डायग्राम, इसका कनेक्शन कैसे होता है। जैसे हम बताएंगे वैसे सेम आप कहीं भी काम करेंगे तो 100% आप सक्सेस होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप ड्राइंग है, तो ड्राइंग में यहाँ पर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ये फेस है, ये न्यूट्रल और ये फेस, यानी कि 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट AC, ठीक है, 220 वोल्ट AC। ये पावर क्या हो रहा है, इन हो रहा है, पावर इन, इलेक्ट्रिकल में पावर इन हुआ इसमें, तो RCCB में, तो RCCB का फुल फॉर्म होता है रेसिड्यूल करेंट सर्किट ब्रेकर, RCCB का फुल फॉर्म होता है रेसिड्यूल करेंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इधर से RCCB में पावर इन होता है, ठीक है, यहाँ पर आउट होता है, ठीक है, पावर आउट, ठीक है। तो ये RCCB है, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 पॉइंट है, यानी कि 4 पोल 3 फेस, ठीक है ना। तो इसमें जो है यहाँ पर हम सिर्फ 220 वोल्ट चला रहे हैं, तो हमेशा माइंड में ये सेट करना है कि अगर 3 फेस रहता है, 3 फेस, ठीक है ना, तो 3 फेस अगर रहता है, यानी कि RYB, अगर 3 गो फेस रहता है, 3 फेस में एक यहाँ पर न्यूट्रल भी रहता है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक फेस, चाहे रेड को आप ले लीजिए, ठीक है, एक न्यूट्रल को ले लीजिए, ठीक है, इसको अगर मेजर करते हैं, दोनों को मेजर करते हैं, तो मेजर करते हैं तो हमारा 220 वोल्ट आपको बताएगा सप्लाई, ठीक है ना, कोई भी फेस। लेकिन यदि फेस टू फेस, यानी कि रेड को येलो को, दोनों को आप मेजर करेंगे तो क्या होगा, 415 वोल्ट बताएगा, ठीक है ना। एक फेस और एक न्यूट्रल 220 वोल्ट बताएगा, अब फेस टू फेस जो है 415 वोल्ट बताएगा, ठीक है। अब यहाँ से 220 वोल्ट आउट हो रहा है, तो 220 वोल्ट आउट हो रहा है तो हमारा ये कॉन्टेक्टर है, ठीक है, कॉन्टेक्टर, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो है MCB है, सिंगल पोल का MCB, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 2 MCB है, ठीक है, ये कॉन्टेक्टर है, ये भी कॉन्टेक्टर है, यानी कि 2 कॉन्टेक्टर यहाँ पर है, ठीक है, तो 2 कॉन्टेक्टर है। उसके बाद से ये कॉन्टेक्टर का क्वाइल है A1 और A2, इस पर एक तरफ से फेस दिया जाता है और दूसरे तरफ से न्यूट्रल, ठीक है। जब हम इसका कंट्रोल वायरिंग बताएंगे कि कंट्रोल में कैसे कैसे मतलब इसका होता है, कि कैसे ये कंट्रोल किया जाता है, कि कैसे एक बार एक पंप स्टार्ट होगा, यानी कि एक दूसरा, ठीक है ना, ये हम आपको बताएंगे। तो आगे जब ये देखिए यहाँ पर जो है, ये जितना डायग्राम आप देख रहे हैं ये पावर वायरिंग है, क्योंकि पावर वायरिंग अलग और कंट्रोल वायरिंग अलग होता है, ठीक है ना। दो तरीके का वायरिंग देखिए एक ही पैनल में फिक्स रहता है, ये भी ध्यान देना है, ये एक ही पैनल में फिक्स रहता है। तो ये जो है कॉन्टेक्टर हो गया,
कंट्रेक्टर के पास ये ओवरलोड रिल है, जिसको OLR शॉर्टकट में लिखा जाता है। ये कहीं भी अगर लिखा रहेगा, चाहे ऐसा सिंबल भी रहेगा, तो आप लोग समझ जाएगा कि ये ओवरलोड रिले ही है। स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है ओवरलोड रिले, ठीक है। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर ये ओवरलोड रिले है, यहाँ पर भी एक ओवरलोड रिले, ठीक है। अब यहाँ पर एक पंप वन, यहाँ पर पंप टू, ठीक है। यहाँ पर दोनों का टर्मिनल का कनेक्शन पंप वन और पंप टू का एक अलग अलग दो पंप रहेगा, तो दोनों पंप का कनेक्शन कर देना है, ठीक है। और इसमें इतना में कितना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, पहले ये RCCD, ठीक है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर आप नए हैं तो ये ध्यान में रख लेना है, ये RCCB है। अगर इंटरव्यू में कहीं भी आपको पूछा जाएगा कि RCCB कैसा होता है, अगर वहां पर रखा भी होगा तो आप उठा के उसको बता सकते हैं कि ये ही RCCB है, ठीक है। और ये जो है हमारा कॉन्ट्रेक्टर है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टर। उसके बाद से ये ओवरलोड रिले, ठीक है। देखिए कॉन्ट्रेक्टर भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ओवरलोड रिले भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर पंप वन और पंप टू का यहाँ पर हम जो है टर्मिनल का कनेक्शन यहाँ पर पॉइंट दे दिए हैं, ठीक है। अब इसका सप्लाई कैसे चल रहा है ये देखना है। देखिए फेस जो है हमारा, फेस जो है ये MCB से होके सीधा कहाँ आ रहा है, MCB से सीधा आ रहा है हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर में, ठीक है। इसको कॉन्ट्रेक्टर बोलते हैं, तो कॉन्ट्रेक्टर है ये, कॉन्ट्रेक्टर इसको बोलते हैं, ये लिख दे रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टर इसको बोलते हैं। तो कॉन्ट्रेक्टर में जो है पावर सप्लाई जो है, देखिए एक यहाँ पर भी लूप किया हुआ है, ओवरलोड रिले में भी लूप किया हुआ है, ठीक है, दोनों में लूप किया हुआ है। ये नहीं कि एक में, दोनों में, इस साइड भी, इसमें भी लूप किया हुआ है, ये भी कॉन्ट्रेक्टर में, ये ओवरलोड रिले में भी लूप किया हुआ है, ठीक है। तो पावर सप्लाई जो है हमारा ये कैसे चल रहा है, जैसे MCB से आता है नीचे, ठीक है। तो पावर सप्लाई देखिए, जब कंट्रोल में ना, कंट्रोल का जब कनेक्शन होगा तो ये कॉन्ट्रेक्टर के कॉइल में E1 और E2 पर, एक पर फेस और एक पर न्यूट्रल दिया जाएगा। तो न्यूट्रल देने से क्या होता है, ये मैग्नेट एनर्जाइज करता है, ठीक है। अब मैग्नेट एनर्जाइज करने से ये जो पत्ती जो उसमें रहती है, इसमें स्ट्रेस होता है, यानी कि खिंचाव होता है, तो ये पत्ती जो है आपस में सट जाती है और पावर सप्लाई आगे बढ़ता है, पावर सप्लाई आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर मैग्नेट जब एनर्जाइज करेगा ये कॉन्ट्रेक्टर कॉइल, तो ये पावर जो है क्या होगा, स्ट्रेस होगा और पावर जो है आगे बढ़ेगा। ओवरलोड रिले के थ्रू होके, देखिए ओवरलोड रिले भी लगाना मतलब बहुत जरूरी होता है। ओवरलोड रिले ओवर पर जो ट्रिपिंग का काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन उस मोटर का प्रोटेक्शन ट्रिपिंग पर देता है, ओवरलोड पर मोटर का प्रोटेक्शन करता है, यूं आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू आप देने जाइएगा तो ये जरूर पूछा जाएगा कि ओवरलोड रिले क्या काम करता है, तो भाई मोटर का प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। किस पर, तो ओवरलोड पर, यानी कि लोड ज्यादा हो जाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओवरलोड रिले से जो है हमारा पावर सप्लाई होके लूपिंग करके फिर ऊपर जाता है, ये जो है कॉन्ट्रेक्टर कॉइल से नीचे आके फेस है हमारा पंप में, यहाँ पर वहां पर फेस के पास पंप पहुंच जाता है, ठीक है ना, पावर सप्लाई फेस पहुंच जाता है। और न्यूट्रल जो है सीधा डायरेक्ट, ये न्यूट्रल सीधा डायरेक्ट जो है हम इसको क्या करते हैं, पंप में देते हैं, यानी कि फेस और न्यूट्रल, यानी कि 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट, ज्यादा 220 से 230 तक हो जाता है, ठीक है ना। मेजर अगर कीजिएगा तो एक फेस और न्यूट्रल का मेजर करते हैं तो 220 से 230 हो जाता है। लास्ट जो है 240 अगर लिखा रहता है, जो पैच लगा रहता है उसको लिखा जरूर रहता है, ठीक है। सेम कंडीशन ऐसा ही यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकर से देखिए सप्लाई आ रहा है कॉन्ट्रेक्टर में, कॉन्ट्रेक्टर से ओवरलोड रिले के थ्रू जो है, फिर यह कॉन्ट्रेक्टर से होके ओवरलोड रिले के थ्रू हमारा पंप टू में सप्लाई जाता है, ठीक है। तो जब इसमें, जैसे कहने का मतलब यह है कि ये सप्लाई ऐसे जाता है, तो ये पावर वायरिंग डायग्राम हो गया। और कंट्रोल, इसमें एक कंट्रोल में एक लाइचिंग रिले भी रहता है, ठीक है ना, लाइचिंग रिले जो शो ऑफ हो रहा है स्क्रीन पर, ये लाइचिंग रिले है। तो लाइचिंग रिले पर 1 और 2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 1 और 2, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर NC होता है, 3 और 4 जो है NO होता है, ठीक है। और ए और बी देख रहे हैं 230 वोल्ट दे रहा है आपको, ठीक है, सप्लाई।
तो ये जो है लाइचिंग रिले से एक बार ऑन एक बार ऑफ, यानी कि एक बार इस पंप को ऑन कराएगा और इस पंप को ऑन कराएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये पंप में क्या खासियत रहता है, तो एक फ्लोट स्विच रहता है जो स्क्रीन पर शो हो रहा है फ्लोट स्विच। तो इसको जब ओपन आप कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, ये इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसमें एक गोली रहेगा, ठीक है ना, एक गोली और सूज की तरह ऐसे मुख जो बनाया हुआ है सूज की तरह ऐसे करके, इसी में ये गोलियां रहता है। जब नीचे आता है तो इसमें एनओ और एनसी हम आगे बताएंगे इसमें कि कैसे जो है ये काम करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है पावर का जो है काम जो है कंप्लीट होता है, और कंट्रोल का काम हम अगले वीडियो में आपसे तुरंत मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट दीजिए, और जितना भी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं आपको टेंशन नहीं लेना है, इलेक्ट्रिकल और एचवीएसी कंट्रोल से किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, आपका बहुत वेलकम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।